हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इशानी ब्लॉग्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, अपडेट कुछ ऐसी है, एक्चुअली हमारे रिलेटिव्स ने धर्मशाला में एक नया होम स्टे ओपन करा है और हम लोगों को इनवाइट करा है, तो हम लोग वहाँ के लिए अभी बस निकलने ही वाले हैं और देखते हैं वहाँ जाके कैसा है सब, कैसी अरेंजमेंट्स हैं और मतलब कैसी है लोकेशन, कैसी है। वैसे तो मैंने सुना है बहुत ऑफ बीट सी लोकेशन में वो है, तो वहाँ जाके देखती हूँ कि कैसी है। बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली वहाँ जाने के लिए। तो अभी हमारे साथ जाएंगे, मेरे साथ जाएंगे मेरे हस्बैंड, मम्मा, दी और जीजू आए, तो दी और जीजू भी हमारे साथ जाएंगे और बाकी धर्मशाला में भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहना और एंड में कमेंट करना और ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। सो स्टे ट्यून्ड। चलो तो हम निकल रहे हैं घर से, मम्मी भी जा रहे हैं, ये हैं शुभ दीदी, से हाय, और वो जा रहे हैं हमारे हैंडसम हंक जीजू। जीजू हाय कर दो। हाय, सत श्री अकाल जी सबको। तो अभी मैं आपसे रास्ते में मिलती हूँ और मेरे हस्बैंड गया वहाँ पे, गाड़ी लगाइए, गाड़ी निकाल रहे हैं और चलो चलते हैं फिर। तो रास्ते में हम यहाँ रुके हैं, जगह का नाम है रैत। तो यहाँ पे हमें लगी है भूख और हम खाने वाले हैं कुलचा। कौन कौन खाएगा? मैं भी खाऊंगी। सभी खा रहे हैं। तो ये बहुत फेमस है एक्चुअली, यहाँ का बहुत अच्छा बनाते हैं अंकल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बना रहे हैं अंकल, हम वेट कर रहे हैं कब कब ये बने और हम लोग इसको खाएं। तो मेरा कुलचा आ चुका है और इन लोगों का नहीं आया है, बेचारे कैसे देख रहे हैं। और बाहर जीजू और ये खा रहे हैं बैठ के, और गाड़ी में हम लोग खा रहे हैं। जीजू पूरे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो हम खा के हो चुके हैं फ्री और हमारे इधर खाते खाते इतने सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। मस्ट, यहाँ पे पक्का ट्राई करना एक बार आके आप भी। तो जहाँ पे हमने जाना है हमारी लोकेशन के लिए, यहाँ से हम टर्न लेंगे, ये है चंबी इस जगह का नाम, और हम यहाँ से ले रहे हैं टर्न और ये रास्ता गया है धर्मशाला को ही, इस तरफ गग्गल को, और ये गया है हमारी डेस्टिनेशन को। तो आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये वाला रास्ता गया हमारी लोकेशन के लिए और ऊपर वाला रास्ता जा रहा है, ये मेरे पीछे जो है ये गया धर्मशाला के लिए। धर्मशाला हार्डली यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है, तो आपको ये बहुत नियर बाय पड़ेगा धर्मशाला के, और अगर आपने धर्मशाला भी एक्सप्लोर करना है यहाँ से तो आपको ईजी भी रहेगा। और आप मेरे पीछे पढ़ सकते हो ये बोर्ड पर लिखा हुआ है घेरा, घेरा में है हमारी लोकेशन और हमारी लोकेशन का नाम है नेस्टो नेचर ग्लैम्पिंग। तो चलो चलते हैं सभी। तो आप देख सकते हो सामने ये हमारी डेस्टिनेशन आपको दिख रही होगी, और चलो चलते हैं फिर। हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है हमारी लोकेशन नेस्टो नेचर ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट्स धर्मशाला। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे जो ये रास्ता गया है, ये गया है घेरा को, और जहाँ से पिछली क्लिप में आपने देखा होगा हमने टर्न किया है, वहाँ से हार्डली 2 या 3 किलोमीटर में आपको ये बोर्ड दिख जाएगा सामने, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे अब इस तरफ। और चलो आप चलो साथ में, आपको दिखाते हैं आगे पूरा रिजॉर्ट। तो गाइज हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इस प्रॉपर्टी का नाम है नेस्टो नेचर, और आप मेरे पीछे ये देख सकते हो ये डोम टाइप जो होते हैं वो रूम्स हैं, डोम कंसेप्ट ये फर्स्ट धर्मशाला में जो है वो ओपन हुआ है, और टोटल यहाँ पे 7 डोम्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम अंदर से कैसे लगते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड है, वो सब आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। और यहाँ पे टोटल आपको 7 डोम प्रोवाइड हैं, तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो और ऑफलाइन यहाँ आके भी बुकिंग हो जाएगी। तो चलो आपको अंदर लेके चलती हूँ, फर्स्ट डोम में आपको दिखाती हूँ आपको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड हैं। और यहाँ पे आप नेचर देख सकते हो, पूरा नेचर के बीच में ये है और बहुत ही पीसफुल लोकेशन है ये, यहाँ पे आप बिल्कुल अपना माइंड मेडिटेशन करने के लिए आप यहाँ आ सकते हो। तो ये है हमारा पहला डोम और आप अंदर आके देख सकते हो, यहाँ पे बहुत कोजी सा ये डोम है, और ये हमारी दी गई है यहाँ पे बेडिंग, आप देख सकते हो।
एकदम नीट एंड क्लीन, यहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड है। यहाँ पे आपको कुछ भी अपना सामान रखने के लिए प्रॉपर शेल्फ्स प्रोवाइड की गई हैं। बैठने के लिए सिटिंग पोर्शन भी यहाँ पे है, तो बेड वगैरह बहुत कंफर्टेबल है, आप आराम से यहाँ रेस्ट कर सकते हो। और इस तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे है एक और सिटिंग एरिया जो कि बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस रूम में ये चीज। और साथ के साथ आपको यहाँ पे एक छोटी सी विंडो भी प्रोवाइड की गई है कि आप बैठ के सनलाइट वगैरह सब कुछ आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। और इसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ से है ऊपर एक और बेडिंग, और एक डोम में आराम से कम चार लोग रह सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो मैं आपको ऊपर जाके अब दिखाती हूँ। पहले तो ये है यहाँ की दूसरी बेडिंग, और यहाँ पे आराम से चार लोग रह सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल बेडिंग है ये भी। और आप पूरा बैठ के बाहर का व्यू भी एंजॉय कर सकते हो कर्टन्स पीछे करके। तो यहाँ से उतरते ही मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, एक्चुअली हमें यहाँ पे फ्रिज भी दे रखा है, तो समर्स में आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो, कुछ भी आपको खाना है आप आराम से अपने रूम में लाके यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। और ऊपर हमें दिया गया है ये केटली, आप यहाँ पे मजे से कॉफ़ी बना सकते हो, चाय बना सकते हो, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ को ये रास्ता गया है हमारे वॉशरूम्स को, और यहाँ पे एक मिरर भी हमें दे रखा है, और मिरर के साथ ही ये लाइट ऊपर। यहाँ पे आप रेडी हो सकते हो आराम से, सब कुछ प्रोवाइड है। और ये है हमारे वॉशरूम्स, तो ये है हमारे वॉशरूम्स, और फिर तो लाइट्स ऑन करती हूँ पहले मैं, और आप देख सकते हो वॉशरूम भी काफी खुले हैं। तो यहाँ पे मेन एंट्रेंस के साथ ही पीछे टेबल पे सब आपको यहाँ पे मेन्यू कार्ड्स रखे मिल जाएंगे, और यहीं पे आपको फूड की सर्विसेज सब प्रोवाइड हो जाएंगी। आपको बाहर से कहीं कुछ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे अपने रूम में आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं और बाहर का नेचर का व्यू इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पीछे आते ही यहाँ पे चेयर्स वगैरह हमें प्रोवाइड की गई है कि आराम से आप लोग शाम को जब सनसेट होगा यहाँ बैठो, आराम से अपनी चाय कॉफ़ी पियो और साथ में रिवर का व्यू इंजॉय करो। आप लोग देख सकते हो रिवर कितनी सुंदर आया साथ के साथ यहाँ पे, तो आराम से बैठ के आप नेचर को एंजॉय कर सकते हो और आपको एकदम पीस मिलेगा यहाँ बैठ के। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे पीछे मुझे एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिल गई है, यहाँ पे बॉनफायर का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ आ रहे हो तो शाम को रात को आप आराम से बैठ के यहाँ पे बॉनफायर एंजॉय कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको मैं एक डोम दिखा चुकी हूँ, और यहाँ पे भी कुछ डोम बनाए गए हैं, तो चलो आप चलते हैं आगे और आपको मैं ये वाले डोम में से एक डोम दिखाती हूँ कि अंदर के ये कैसे हैं। बाहर आपको सिटिंग एरिया भी मिल जाएगा, आप आराम से यहाँ रिलैक्स कर सकते हो। और यहाँ नीचे भी सिटिंग। तो अभी यहाँ भी हो चुका है हमारा लंच टाइम, तो हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। हमने लंच ऑर्डर कर दिया था, तो हमारा लंच रेडी हो चुका है, हमें उन्होंने बुलाया अभी, तो लंच करने के लिए हम जा रहे हैं। तो मैं आपसे अभी सीधा मिलती हूँ लंच टेबल पर। ये है सारा इनका डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे नीचे भी है। नेचर ग्लैम्पिंग जो है, आपको धर्मशाला में बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन जो ये डोम वाला कंसेप्ट है वो आई थिंक यही फर्स्ट ओपन हुआ है धर्मशाला में। और यहाँ पे आप एक बार ज़रूर विज़िट करें, आएँ यहाँ का एक्सपीरियंस लें, यहाँ का नेचर की जो व्यूज़ हैं वो इन्जॉय करें, और
आई होप आपको ये यहाँ आके अच्छा लगेगा। तो गाइज यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है, 4 बज चुके हैं और सनसेट हो रहा है, और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के सनसेट को मैं इंजॉय कर रही हूँ, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और अभी हमारा घर जाने का भी टाइम हो रहा है, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यहाँ इस लोकेशन की सारे डिटेल्स में जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आपने यहाँ पे आना है, विजिट करना है, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, और अगर मेरा कहीं और प्लान बन गया तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द। स्टे ट्यून्ड।